स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 1 में हमने जो सभी चैप्टर्स थे जो हमने टोटली लर्न कर लिए हैं, लास्ट में जो पिनोचियो वाला जो लेसन था वो हमने कंप्लीट किया था। तो वो जो यूनिट था पूरा यूनिट नंबर 9, तो आपको जो यूनिट नंबर 6 है, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9, ये चारों यूनिट है, उसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर्स भी दिए गए। तो पहला जो यूनिट नंबर 6 है, तो वहां से अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारे ये जो सभी लेसन से वो तो कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए हम जो यूनिट नंबर 6 है यानी कि सेमेस्टर 2 की जो यूनिट्स है वो कहाँ से है, यूनिट नंबर 6 से। तो वहां से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स लगेगी इसका हम रिवीजन करेंगे। तो यूनिट नंबर 6 है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1, आपको उसमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला है हेफ्था एंड सेकंड जो चैप्टर है द स्कोलर्स मदर टंग। हमने एक बार तो लर्न स्टडी कर लिया है, अब यह हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। इसलिए आपको जो ये चैप्टर्स है उसके बारे में तो पता ही होगा, है ना। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, पोयम। तो हेफ्था वाली जो पोयम है उसका हम रिविजन करेंगे। हेफ्था क्या है, एक बॉय है, कैसा वो है, तो हेफ्था नोकोमिस था। और वो कहा किसके अंदर रहता था, तो विगवेम। विगवेम यानी क्या होता है, जो झोपड़ी जैसा जो होता है वो, तो वो है उसके साथ रह रहा था। तो नोकोमिस जो उसकी ग्रैंड मदर है, टोट हेल्प था अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। तो वो फॉरेस्ट में रह रहे थे, झोपड़ी के अंदर रह रहे, तो आजू बाजू का जो नेचर है, जो वंडर है, वो सभी के बारे में उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सिखाया था। सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, तो उन्होंने स्टार्स के बारे में बताया था। द ट्रीज, ट्रीज के बारे में सिखाया था, बताया था। द इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं उसके बारे में। द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में। द एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीजों के बारे में नोकोमिस ने, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको शिक्षा दी थी, सिखाया था, उन सभी के बारे में उसको सब कुछ बताया था। तो हेफ्था ग्रो अप टू लव देम ऑल, और सभी को वो प्यार करते करते ही वो बड़ा भी होता जा रहा था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम, और वो जो है वो उसके राउंड जो एनिमल से, बर्ड से, उसके साथ ही वो ग्रो अप हुआ है। इसीलिए वो जो हेफ्था है वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बातें भी कर सकता था, और एनिमल्स और बर्ड से वो हेफ्था से भी बातें कर सकते थे। ओके, तो अब यहाँ से होता है, क्या होता है, देन द लेटर हेफ्था लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स बर्ड इट्स लैंग्वेज। तो हेफ्था ने सभी बर्ड्स, हर एक बर्ड के लैंग्वेज है वो सीखी हुई थी। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उसके सभी बर्ड्स के नेम भी उसको पता थे, और उसके बर्ड्स के सभी सीक्रेट, सभी जो खुफिया बातें थी वो सब वो जानता था। कौन, हेफ्था, क्योंकि हेफ्था है वो उन सभी के साथ ही ग्रो अप हुआ था, बड़ा हुआ था, इसीलिए। हाउ दे बिल्ड देयर नेट्स इन समर, कौन कौन से सीक्रेट्स से बर्ड्स के थे जो हेफ्था को पता थे। तो हाउ दे बिल्ड देयर नेट्स इन समर, समर में वो अपना नेस्ट है वो कैसे बांधते थे, वो वेयर दे हिट देमसेल्व्स इन विंटर, विंटर में ठंडी से बचने के लिए वो अपने खुद को कहाँ पे छुपाते थे, वो टॉक्ड विद देम वेयर
जब जब वो उस बर्ड से मिलता था तो बर्ड से वो क्या करता था, बातें करता था और वो बर्ड्स की सभी सीक्रेट भी जानते थे, जानता था और सभी बर्ड्स की लैंग्वेज भी उसको पता था। कोल थे ब्रेड था चिकन और वो अपने खुद को क्या बोलते थे, हैवदास चिकन, हम हैवदा के चिकन है। ओके, फिर दूसरा पैराग्राफ देखे पोयम का, तो ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न्ड द लैंग्वेज। बीट्स यानी क्या होते हैं, एनिमल्स है ना, तो सभी एनिमल्स की उसने लैंग्वेज है वो सीखी हुई थी, बर्ड्स की लैंग्वेज भी सीखी थी और सभी एनिमल्स की लैंग्वेज भी उसने सीखी हुई थी। लर्न देयर नेम्स, सभी एनिमल्स के नेम्स भी सीखे थे। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उसकी भी सभी सीक्रेट्स उसको पता थे, इसको हैव था को, बर्ड्स के सभी सीक्रेट, सभी बर्ड्स के नेम, सभी बर्ड्स की लैंग्वेज सब उसने सीखी हुई थी। वैसे ही उसने सभी एनिमल्स के नेम, सभी एनिमल्स की लैंग्वेज और उसके सीक्रेट्स भी इसको पता थे। तो कौन कौन से सीक्रेट्स है, जैसे कि हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजिस, जो बीवर्स होते हैं वो अपने लॉजिस, लॉजिस यानी हाउस, वो अपने हाउस है वो कैसे बांधते हैं, वेयर द स्क्वारल्स ईट देयर एकॉर्न्स, स्क्वारल्स स्क्वारल्स से जो एकॉर्न्स खाती रहती है वो अपने एकॉर्न्स कहाँ जाके छुपाती है, हाउ द रेंडियर रेन सो स्विफ्टली, जो रेंडियर नाम के जो एनिमल होते हैं वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं, व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, रैबिट है वो इतना टिमिड क्यों था, इतना डरपोक क्यों था, टॉक्ड विद देम एंड व्हेनेवर ही मेट देम, जब जब वो एनिमल्स से भी मिलता था तब तब उससे बातें करता था। और कॉल्ड देम हैवदास ब्रदर, सभी को वो क्या बोला था, हैवदा के ब्रदर्स, हैवदा के भाई के नाम से बुलाता था, है ना। अब रीडिंग इज फन में जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, तो सभी क्वेश्चन आंसर है वो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। Nokomis was old grandmother of Hevtha. Hevtha ki old grandmother thi, hai na?
did he learn about the birds? उसने birds के बारे में क्या सीखा था? तो सभी birds के name, सभी birds की languages, okay? फिर उसके सभी के secrets, है ना? We learned the languages, names and secrets of the birds. उसने सभी birds की languages, सभी के names, सभी birds के secrets के बारे में सीखा हुआ था. Okay, पहले ये three question के answer लिख लो. Learn about beats. उसने beats के बारे में कौन से secrets है वो सीखे हुए थे वो कौन से secrets है वो जानता था तो he learned how the beavers build their lodges where the squirrels hit the acorns How the reindeer
runs so swiftly and why the rabbit is so skinny and why ये जो सभी सीक्रेट्स है जो हेवता ने सीखे थे जानता था कौन कौन से है तो लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजिस। बीवर्स से वो अपने हाउस से अपने लॉजिस से वो कैसे बिल्ड करता है। वेयर द स्क्वायरल्स बिल्ड देयर एकॉर्न्स, स्क्वायरल से वो अपने एकॉर्न्स से वो कहाँ पे छुपाता है छुपाते हैं। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, रेनडियर है वो इतनी तेजी से कैसे भागते हैं। एंड व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, रैबिट है वो इतना डरपोक क्यों होता था, है ना। तो ये जो सभी बातें थी, ये जो सभी सीक्रेट से जो हेवता ने सीखे हुए थे, जो हेवता जानता था। ओके, सो अपनी बुक में लिख लो ये। उसके बाद वो लेट्स लिसन, वो एक गेम है वो हम स्किप कर रहे हैं। एक चाइनीज विस्पर नाम की वो गेम हमने ऑलरेडी लर्न की है। ओके, फिर लेट्स टॉक है, उसमें भी क्वेश्चन है कि हैव था लाइक टू लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्या हैव था को नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद था। तो यस, उसको पसंद था। आपको लगता है कि ये सब आप यस और नो आपको बोलना है। दूसरा है हैव था कॉल्ड द बर्ड चिकन्स एंड इट्स ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक सो थिंक दिस शोस के वो हैव था है वो बर्ड्स को अपने चिकन्स कहता था और एनिमल्स को क्या कहता था, हैव था ब्रदर, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों दिखाता है वो, इससे आपको क्या देखने को मिलता है। तो इससे हमें जानने को मिलता है कि हेवता है वो सभी एनिमल्स और सभी बर्ड्स के प्रति बहुत ही काइंड था, उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता था, है ना, क्योंकि ही इज वेरी काइंड पर्सन। फिर है सी, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स, क्या बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स होते हैं जो हम नहीं जानते हैं। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, क्या कोई भी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज है वो आप जानते हो। टेल द क्लास अबाउट इट, आपको क्लास को उसके बारे में बताना है। तो हम कोई पेट एनिमल हो तो उसकी हम लैंग्वेज है वो जान जाते हैं, है ना। जैसे कि डॉग है तो उसको अगर खाना चाहिए तो वो अपनी लैंग्वेज में आपसे खाना मांगेगा, अगर उसको भूख लगी है तो आपको वो आप वो समझ जाते हो और उसको खाना भी देते हो, है ना। फिर है से अलाउड में आपको वर्ड्स है स्क्वारेल क्वारेल क्वीन क्विक क्विल क्विक क्वाइट एंड क्वालिटी। उसके बाद है एच साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है जैसे कि हेड हाउस हैंड हाइट होर्स हार्ट हैंड एक्सेट्रा। तो आपको पेयर बनानी है और एच साउंड वाले जो वर्ड्स है उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेना है और उसके साथ में आपको एक नाउन लेना है। तो कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करता हो ऐसा एक वर्ड है वो आपको लेना है, जैसे कि हाई हाउस। हाउस है वो कैसा है, हाई है, तो हाई है वो क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ब हुआ, है ना। हाफ हाई, हंग्री होश, हेल्पफुल हार्ट, हार्ड हैंड, है ना। एच साउंड वाले हम नाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड से वो लिए हैं। उसके बाद हैव यू सीन, क्या आपने देखा है।
हिप्पोपोटामस इन हेड, हिप्पोपोटामस को हेड में आपने देखा है, यस के नो तो नहीं। और हेड इन बिहाइव, बिहाइव के अंदर हेड को देखा है, नो। और हेलीकॉप्टर विथ हेड, हेड के साथ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को भी ऐसे लंबे लंबे बाल हो, नहीं होता है। और हॉर्स ड्रिंक हनी, हॉर्स को हनी पीते हुए देखा है, नो। ओके फिर है लेट्स शेयर है, उसमें तो कुछ नहीं है। फिर लेट्स राइट है, इसमें आपको क्या करना है, दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। राइट फोर सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेज एंड पंक्चुएशन। तो पिक्चर है, उसमें एक वो है, वो एनिमल्स और बर्ड्स के साथ बातें कर रहा हूँ, वो पार्क है। तो ऐसे ये जो पिक्चर है उसके बारे में आपको फोर सेंटेंस है वो डिस्क्राइब करने हैं। तो हम पिक्चर को देखकर हम अपने सेंटेंस है वो लिख सकते हैं। ओके तो वो हमने लिखे थे। फिर वेयर डू द फॉलोइंग लिव, नीचे दिए गए वो कहाँ रहते हैं, बर्ड्स लिव, बर्ड्स से वो कहाँ रहते हैं, तो क्या आएगा नेस्ट। रैबिट्स लिव इन अ ब्यूरो, रैबिट है वो किसमें रहते हैं, ब्यूरो में। बीवर्स लिव इन, बीवर्स से वो किसमें रहते हैं, पॉन्ड में। ओके आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिवीजन। तब तक आपको भी क्या करना है, अब पूरा कंप्लीट लेसन हो गया तो आपको भी पहले से जो जो एक्सरसाइज है उसको रिवाइज करता है करना है, रीड करना है, मेन मेन पॉइंट से उसको आपको रीड कर लेना है और बाय हार्ट भी कर लेना है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।